चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन देखते हैं वाला एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट फोर सेंटीमीटर स्केप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ थर्टी सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ डाइवर्जिंग मिरर अब डाइवर्जिंग मिरर क्या है डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होता है आपका वो होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर वो कौन सा मिरर होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर यही आपका डाइवर्ज करता है तो इसका जो आपका जो फोकस होता है वो फोकस आपका यहां पे होता है हम जानते हैं कि इस डायरेक्शन को हम क्या लेके चलते हैं पॉजिटिव और इस डायरेक्शन को क्या लेके चलते हैं नेगेटिव तो इसका फोकस यहां पे होता है और उस उस फोकस फोकस वो पॉइंट का जो फोकल फोकल लेंथ लेंथ है है यानी कि क्या उस फोकस का पोल से जो डिस्टेंस होता है उसको हम फोकल लेंथ लेके चलते हैं वो फोकल लेंथ कितनी दी हुई है आपको क्वेश्चन के अंदर टेन सेंटीमीटर इफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज टेन सेंटीमीटर इस तरफ है तो हम इसको क्या लेके चलेंगे इसकी वैल्यू को पॉजिटिव और क्या नोट डाउन कर सकते हैं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताया हुआ है कि डाइवर्जिंग मिरर के पोल से कितने distance पे रखी हुई है 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 कि कि की की क्या होगी हम किस तरफ तरफ रखते है? इसी consider करते हैं हैं इसी करते रखा गया तो U की value कितनी हो जाएगी ठीक कितने आ गए माइनस थर्टी सेंटीमीटर अब बात है कि आपको इमेज की हाइट बतानी है इमेज की हाइट बताने से पहले मैं इमेज की लोकेशन निकालता हूं क्योंकि वही हेल्पफुल हो पाएगा चलिए उसके लिए मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगाऊंगा बहुत सिंपल सा मिरर फार्मूला अप्लाई करूंगा अप्लाई करूंगा मिरर फार्मूला और मिरर फार्मूला आपका क्या होता है 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u इक्वल टू 1 अपॉन f अकॉर्डिंगली वैल्यू पुट करता हूं 1 अपॉन v प्लस u कितना है Minus -30 सेंटीमीटर u कितना है Minus -30 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ फोकल लेंथ कितनी है प्लस टेन सेंटीमीटर अब बस और कुछ नहीं रहा कैलकुलेशन करनी है जल्दी से करते हैं वन अपॉन वी इज इक्वल टू ये माइनस वन अपॉन थर्टी हो जाएगा उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा वन अपॉन थर्टी सेंटीमीटर प्लस वन अपॉन टेन सेंटीमीटर वन अपॉन वी एलसीएम लेते हैं थर्टी वन प्लस थ्री क्लियर तो वी का आंसर कितना आ जाएगा बच्चे जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे ये आ जाएगा 30 बाय दोबारा से देख लेते हैं एलसीएम लिया 30 वन प्लस थ्री थर्टी फोर्टी थर्टी अपॉन फोर सेंटीमीटर ये आपका किसका आंसर आया बच्चे ये आपका आ गया लोकेशन ऑफ इमेज कितना आंसर आ गया 30 बाय फोर तो इसमें कुछ भी गड़बड़ यहाँ पे नहीं है चलिए अब क्या करना है इसके बाद हम यहाँ पे रिलेशन लगाएंगे मैग्निफिकेशन की तो मिरर के लिए का रिलेशन क्या होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू तो अकॉर्डिंगली वैल्यू पुट करते हैं वी का आंसर कितना है थर्टी अपॉन फोर तो आ जाएगा माइनस थर्टी अपॉन फोर डिवाइडेड बाय यू यू की वैल्यू कितनी ली बच्चे हमने दैट इज यू क्या है आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस माइनस थर्टी तो उसको लेके चलते यहां पे माइनस थार्टी ठीक है तो आप वी का आंसर आपने निकाल लिया यहां पे एच हाँ आई और आपने बोला एट ए हाइट ऑफ फोर सेंटीमीटर चलिए कोई बात नहीं माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया थार्टी से थर्टी कैंसिल आउट हो गया तो एच आई अपॉन एच नॉट का रिलेशन क्या है बच्चे यहां पे वो आ गया वन अपॉन फोर अब ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दी हुई है बच्चे फोर सेंटीमीटर कितनी दी है फोर सेंटीमीटर तो इमेज की कितनी आ जाएगी आपकी एच नॉट अपॉन फोर यानी कि फोर सेंटीमीटर वैल्यू पुट करूंगा मैं यहाँ पे डिवाइडेड बाय फोर तो इमेज तो की हाइट कितनी आई है पॉजिटिव आंसर आया है वन सेंटीमीटर कितना आंसर आ गया पॉजिटिव वन सेंटीमीटर तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका देख के पता चल रहा है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर क्लियर थैंक यू